हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है होली का सेकंड डे, यानी कि वो वाला दिन जब मैं और मम्मी कहीं जा रहे हैं। तो गाइस, अभी तो वैसे हम उठ तो हम 6 बजे गए थे, बट अभी 6:30 हो गए हैं, तो हमको लेट हो रहा है। तो पहले हम तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद ही आपसे मिलते हैं गाइस। तो गाइस, हम हो चुके हैं तैयार और हम वेट कर रहे हैं बस का। मैंने और मम्मी ने मास्क लगाया क्योंकि हमको थोड़ा बहुत कोल्ड हुआ है और सुबह ठंड का समय है होता है, तो फिर ऐसे में तो कोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने सोचा कि हम मास्क लगा देते हैं। और मैं कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ, मम्मी ऐसे तैयार हुए हैं। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं और बस आने वाली है थोड़ी देर में। और गाइस, यहाँ पे ना जंगली मुर्गे नहीं होते, जंगली मुर्गे वो भी है बहुत सारे। मतलब बहुत सारे क्या, हमने 2 देखे तो बहुत ही हुए। और ऐसी जगह पर जंगली मुर्गे होना बड़ी बात है। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में जब बस आ जाएगी। बात कर रही हूँ तो मैं हूँ रामपुर में, और मैं आई हूँ रामपुर इसलिए क्योंकि आज है फाग मेला और मैं एक बड़े स्पेशल इंसान से मिल रही हूँ यहाँ पे। मतलब हाँ, मेरे लिए तो हमेशा ही स्पेशल है, मैं उसी के ही घर आई हूँ। मैंने बताया था ना, मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ इसके घर। आपको तो पता ही होगा ये कौन है, ये मेरी कज़न है सीमा मेहता, और इसके साथ इसकी दोस्त है रिचा। तो ये हमको पिक करने आए थे। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था, पता नहीं आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कि नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम पैदल ही आ जाते क्योंकि हम एक जगह पे रुके थे। तो वहाँ से हम पैदल आए और यहाँ पे हमको ये मिले, और हम हैं एकदम पदम पैलेस के आगे, और ये इनका रेस्टोरेंट हाँ ये है नवबहार होटल, और ये ये उनका ही है। और ये रहा पदम पैलेस, यहाँ से परे पदम पैलेस है, और सारा मेला जो है वो यहाँ पदम पैलेस में लगता है। तो सारे देवते एक के बाद एक आएंगे, तो मैं आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से देवते हैं। थोड़े मैंने बीच में भी लिए हुए हैं पर मेरे को उनका नाम नहीं पता, शायद से टैग लगे हुए थे उनके साथ। तो अभी और आएंगे तो हम आपको दिखाते रहेंगे, तो बाकी बातें हम बाद में करते हैं। और आप देख रहे होंगे ना कि मैं इतनी मोटी जैकेट पहन के आई हूँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो अब मुझे लगता है ये मुझे उतारनी पड़ेगी। बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं, अभी मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। हाँ यार, सफर से थक गए हैं, आप चेहरा भी देख सकते हैं कितना रेड हुआ है मेरा, और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। पानी पीना, हाँ मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो गाइस, ये है चोली पल्थान देवता और ये नंदी टेम्पल के हैं, और ये बहुत फेमस देवता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। वैसे सभी देवता पावरफुल होते हैं पर ये बहुत पावरफुल माने जाते हैं, और ये आ रहे हैं यहाँ पे। और आप देखिए कि सभी इतने सारे लोग हैं। Yeah.
है पद्म पैलेस। पद्म पैलेस का फुल टूर, ये है फुल टूर तो करा नहीं सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। भी होने वाला है यहाँ पे, पर वो यहाँ पे नहीं होगा, वो होगा पार्ट बंगला ग्राउंड में। पार्ट बंगला ग्राउंड में होगा वो, कॉलेज ग्राउंड समझ लो। हाँ, उस ग्राउंड का नाम है पार्ट बंगला, काफी फेमस ग्राउंड है। ओके, तो वहाँ पे होगा, तो हम आपको वो दिखाएंगे। और पीछे हमारे दिख रहा है पद्म पैलेस, ये रहा पद्म पैलेस, देखो कितना ब्यूटीफुल है। और चारों तरफ से देखो इतने सारे लोग है, देखो आप मेरे पीछे देवी देवता बैठे हुए हैं। एक्चुअली देवता ही है सारे के सारे, यहाँ पे देवता ही आता है। देविया भी आती है यहाँ पे ना, माता आती है ना इधर, यहाँ पे माता भी आती है, पर पता नहीं मेरे को सब मिक्स हो रहा, मुझे पता ही नहीं आता। हाँ, मेरे को कुछ पता नहीं ना कौन देवता है कौन देवी है, बट आप देख लो। बाकी ब्रीफली हम आपको बाद में बताएंगे जब हमको खुद पता चलेगा। और हम कल भी आने वाले हैं, तो कल भी बता। हाँ, हम कल भी आने वाले हैं। अभी ना हम चलते हैं यार, क्या प्लान है फिर? मम्मी और मासी चलते हैं, उनको बोलते बाहर गेट के पास मिलने। मम्मी और मासी आपस में से खो गए ना, उनको यही नहीं पता चले उनकी बेटियाँ कहाँ चली गई हैं। पहले तो उनको ढूंढना पड़ेगा, उनकी आपस की कंपनी चलती है ना, तो हाँ। तो चलिए अब हम रास्ते में मिलते हैं आपको। थोड़ा हमको यहाँ पे लोगों के बीच थोड़ा सा ऐसी घबराहट होने लग जाती है कि हम क्या बोले, तो बाद में मिलते हैं। दोनों दोस्त दूसरे को बाय बाय बोल रही है, बाय। हम तो अब हम रूम चलते हैं, थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी ना कैमरा पे ना इतनी धूल जम गई है, साफ करना पड़ेगा। आप तो जैकेट पहन के आए हो। नो मैम, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं शिमला से आई हूँ, तो शिमला में ठंड थी, तो मुझे वहाँ तो बचना था ना, इतना लंबा सफ़र करना था। रामपुर तो पता ही है गर्मी होती है, और जब जैसे ज़्यादा लोग होते ना तब तो और बिट्टा बन जाते हैं। नो बिट्टा, हमें नहीं लेना, मैं तो हमारी मम्मियों के लिए परेशान। अभी हम पहुँचे हैं, कहाँ पर पहुँचे? चाटी पुल क्रॉस किया है। अभी हमने चाटी पुल है क्रॉस किया है, तो अभी हम जा रहे हैं सीमा के रूम को, और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेयर्स है। मैं पहली बार जा रही हूँ सीमा के रूम को, और ये बोरी की काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है, आप थक भी सकते हो। मैं सोचा कोई बात नहीं, आज इतनी दूर से आए हैं तो इतनी सीढ़ियाँ भी हम चढ़ लेंगे। जो मैं अपना अपनी जैकेट उतारती हूँ, तो गाइस मैंने अपनी जैकेट उतार दी है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रामपुर में, शिमला की तरह ठंडा नहीं है यहाँ पे। उफ़, तो मैं ऐसे आ गई हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और हाँ, सो गाइस आप देख सकते हैं हम ना रोड से इतना ऊपर आ गए, तो इसका रूम ना इतना हाइट में है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे बैक साइड का व्यू कैसा दिख रहा है, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा ही आ रहा है। और इसका रूम देखो यहाँ पे पार, जो आपको लास्ट में बिल्डिंग्स दिख रही है ना, वहाँ हमको जाना है। जैसे मासी आ रहे हैं बेचारे खांसते हुए। ओह शिट, खाने वाले केले होंगे। हाँ
गाइस ये पहुंच गए हम रोड पे। अब यहाँ से जाना है सीमा के रूम के लिए। इस यहाँ पे बाहर आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, इस ग्राउंड में ही फंक्शन है नाइट का। और ये है कॉलेज, रामपुर कॉलेज है ये। और सीमा की कितने मज़े की यहाँ से बैठ के मज़े से देख सकती है फंक्शन। चलो मैं अपने नज़दीक से दिखाती हूँ कैसा कैसा है। यहाँ पे नाइट में फंक्शन होने वाला है रामपुर से थोड़ा सा आगे है। और ये सतलुज नीचे तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं सीमा के रूम में और सीमा हमारी खातिरदारी करने लग गई, हमको पानी दे रही है। फ्रिज का पानी है ना, मिक्स करके दूंगी ना। फ्रिज का मत दे, फ्रिज का मत दे, मिक्स करके दे। हमने पिए नहीं, मिक्स करके दे, मिक्स करके। हमने पिए नहीं, उसमें दे तो बोतल में है। सो गाइज अब हम सोने का सोच रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब लगता है हमको व्लॉग एंड कर देना चाहिए। बाकी कल का व्लॉग मैं कल ही शूट करूँगी, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। सो बाय बाय गाइस, बाय।